एक भेंट। जाति, धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता को एक जीवंत आध्यात्मिक प्रक्रिया भेंट करना ही इस वीडियो को बनाने और बांटने का उद्देश्य है। इसमें भेंट की गई विधि पर अमल करके खुद को आनंदित व समर्थ बनाएं और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो भेंट करें, क्योंकि शांतिपूर्ण, प्रेममय और आनंदित इंसान बनाना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। प्रेम, प्रकाश और आनंद से भरी एक दुनिया, अब इसका समय आ गया है। आइए इसे कर दिखाएं। अभ्यास शुरू करने से पहले पालथी लगाकर रीढ़ सीधे रखते हुए आराम से बैठें। जरूरी लगे तो पीठ का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन सिर को सहारा ना दें। इस क्रिया को पूरब दिशा की ओर चेहरा करके बैठकर करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपके हाथ जांघों पर खुले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर हों। जरा सा ऊपर उठे हुए चेहरे के साथ बैठें, आंखें बंद और भौहों के बीच हल्का सा ध्यान रखें। ध्यान, यह ध्यान तीन चरणों में होगा। पहला चरण, आराम से धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर बार सांस लेते समय अपने मन में कहें, मैं शरीर नहीं हूं। इस विचार के साथ सांस अंदर लेते रहें। हर बार सांस छोड़ते समय अपने मन में कहें, मैं मन भी नहीं हूं, और इस विचार के साथ सांस छोड़ते रहें। इसे 7 से 11 मिनट तक करें। दूसरा चरण, मुंह खुला रखकर आ की लंबी आवाज निकालें। इसे 7 बार करना है। हर बार यह ध्वनि करते हुए पूरी सांस छोड़िए। तीसरा चरण, आंखें बंद रखते हुए अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ रखें। अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान रखें। इस स्थिति में 5 से 6 मिनट तक बैठें। यह अभ्यास 12 से 14 मिनट तक चलेगा। अगर आप चाहें तो ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। ईशा क्रिया करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब आप ईशा क्रिया के लिए बैठें, अपने शरीर और मन में जो भी चल रहा है उसकी बिल्कुल परवाह ना करें, बस वहां बैठे रहें। यह ध्यान करते समय साधक के अंदर ऊर्जा पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही होती है, इसलिए इस अभ्यास के दौरान कोई अंतराल या ब्रेक ना होने दें। हर बार जब आप यह क्रिया करें, इसे कम से कम 12 मिनट तक करें। 48 दिनों तक दिन में 2 बार करें। 48 दिन का एक मंडल होता है, उसके बाद दिन में 1 बार अवश्य करना चाहिए। इस क्रिया का अभ्यास कोई भी कर सकता है और इसके फायदों का आनंद उठा सकता है। इस प्रक्रिया में कोई भी बदलाव किए बगैर केवल इन निर्देशों का पालन करें। यह एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली क्रिया है। अभ्यास के समय के अलावा भी आप अपने को दिन में किसी भी समय याद दिला सकते हैं, मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं। हर दिन ईशा क्रिया का अभ्यास करने से आप अच्छी सेहत, आत्मशक्ति, सुख शांति, एक सुंदर जीवन, सब कुछ पा सकते हैं। यह क्रिया आज के भाग दौड़ वाले जीवन के साथ तालमेल बिठाने में आपकी सहायता करती है। यही नहीं, यह हर आदमी को अपनी संपूर्ण क्षमता में जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। ईशा क्रिया इस धरती पर उपस्थित हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता की कम से कम एक बूंद प्रदान करने के आंदोलन का एक हिस्सा है। एक बूंद को कोई छोटी चीज न माने। एक बूंद अपने आप में एक पूरा समुद्र है। यह खुद की परम क्षमता तक पहुंचने का एक शक्तिशाली उपकरण है। हमें आशा है कि ईशा क्रिया के अभ्यास से आप लाभान्वित होंगे व इसे अन्य कई लोगों के साथ बांटेंगे भी।